नमस्ते, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अलीगढ़ के एक जूनियर कर्मचारी ने अपने सीनियर अधिकारी के पानी के गिलास में थूक दिया। चपरासी ने बोतल से गिलास में पानी डाला, फिर कुछ देर रुककर उसमें थूक दिया और फिर यही पानी अदालत में सुनवाई कर रहे न्यायिक अफसर को दे दिया। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद आरोपी चपरासी को निलंबित कर दिया गया और पूरे प्रकरण की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। यूजर से क्लिप शेयर करते हुए इसे थूक जिहाद की घटना होने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि काफी समय से एक थ्योरी चलाई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के खाने में या वस्तुओं में थूक थूक कर बीमारियां फैलाने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरी कोरोना महामारी के दौरान काफी चलाई गई थी। ऑनलाइन शेयर की जा रही इन अफवाहों के कारण कई बार भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों या ठेले चलाने वालों को पीट भी दिया था, जिसका फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज की टीम ने पहले भी किया था। इस वीडियो को भी यूजर्स थूक जिहाद की एक और घटना बताते हुए शेयर कर रहे हैं। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के एक फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें 2018 के इस ट्वीट में यह वीडियो मिला। आगे छानबीन जारी रखते हुए हमें द टाइम्स ऑफ इंडिया की 2018 की ये रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया है कि विकास गुप्ता नामक एक शख्स ने अपने सीनियर के पानी के गिलास में थूका था। बाद में उसे सस्पेंड भी कर दिया गया था। हाल में इस घटना का वीडियो वायरल होने पर अलीगढ़ पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए 26 जुलाई 2024 को ट्वीट कर बताया था कि ये वीडियो तो 2018 की घटना का है और इस मामले में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। यानी सीनियर के गिलास में थूकने वाले एक कर्मचारी का वीडियो झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया, जबकि असल में ये शख्स हिंदू था न कि मुस्लिम। इस तरह की अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।